हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के का लाल शॉर्ट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज हम वीडियो लेके आए हैं काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी फ़ायदे की, जो उनके पास KTM ड्यूक है या KTM RC वगैरह गाड़ी है ना, या फिर R15 वगैरह जो भी बाइक है ना, उनके बारे में तो हम बात करेंगे चेन की। ये देखिए चेन है ना, ये चेन जैसे कि मान लीजिए आप स्प्रे लगाते हैं, मैं भी पहले स्प्रे ही लगाता था और मैं इसकी स्प्रे है ना, ये मान कर चलिए 250 रुपये की स्प्रे आती थी और वो ज़्यादा ज़्यादा खींच कर मेरे पास में यानी 15 से 20 दिन चलती थी और फिर से मेरे को दूसरी लेनी पड़ती, क्योंकि मैं क्या थोड़ा गांव के एरिया में रहता हूँ। ये देखिए मिट्टी वगैरह लगी हुई है और मिट्टी लगने की वजह से वो स्प्रे मान के चलिए बहुत जल्दी सूख जाती है और गर्मियों में तो और भी जल्दी सूख जाती है वो स्प्रे। तो मैं बता देता हूँ आपको, इसके लिए मैंने एक चीज़ बनाई है, एक लिक्विड बनाया है जो काफ़ी फ़ायदेमंद है। मैंने देखिए एक बार चेन चक्कर डल चुका है मेरा, यानी मैं पहले स्प्रे लगाता था ना तो मेरा चेन चक्कर डल चुका था 8000 किलोमीटर पर ही मेरा चेन चक्कर ख़त्म हो गया था। लेकिन मैं जब से ये जो मैंने ये लिक्विड बनाया है ना अलग से, इसके बाद में अभी तक मेरी गाड़ी कम से कम 13 से 14 हज़ार चल चुकी है और देखिए मेरा चेन चक्का बिल्कुल यूं का यूं परफेक्ट है। ये देखिए अंदर का ब्रैकेट भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें 1% ही घिसने का चांस नहीं आया अभी तक, जबकि 13,000 चल चुकी है। तो मैंने सोचा ये वीडियो बना कर अपन भी अपलोड कर दे, काफ़ी पब्लिक का फ़ायदा हो जाएगा इससे, जो KTM RC रखते हैं या जो भी ये खुला चेन चक्के वाली बाइक रखते हैं स्पोर्ट बाइक, उनके लिए सभी के लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं दिखा देता हूँ कैसे बनता है और आपको कैसे बनाना है, तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसे कि ये देखिए, मैं एक तो ये है गियर आयल, आपको इस तरीके से गियर आयल ले लेना है थोड़ा सा है ना, और फिर गियर आयल के अंदर ये देखिए इस तरीके से ग्रीस डालो इसमें। ये देखो मैं आपको पूरी तरीके से बता रहा हूँ, सबसे फ़ायदे की चीज़ है आपकी गाड़ी का चेन चक्का है। मान लीजिए जहाँ आपकी गाड़ी का चेन चक्का स्प्रेस है आपका 10 से 15 हज़ार चल रहा है ना, वहीं 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा चलेगा। यानी मेरे को आज करीबन 1.5 साल हो गए मेरा चेन चक्का इतना बढ़िया सर्विस दे रहा है, और पहले जब वो वाला चेन चक्का था ना वो मेरा 6 महीने में जा चुका था, यानी कि 6 महीने में स्प्रे लगाता था मैं, स्प्रे यूँ ही सूख जाती थी और गर्मियों में तो काफ़ी परेशानी आती थी, उसको रोज़ाना स्प्रे करना पड़ता था वरना चेन आवाज़ करने लग जाती थी। तो दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए कैसे बनेगा इस तरीके से, इसमें ग्रीस मिलाना है बस बोल दे, और इस ग्रीस को है ना काफ़ी देर तक इसमें घोलना है, मतलब आयल में ये सब गाढ़ा लिक्विड बन जाएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड बन जाएगा। जब ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड बन जाएगा तो आपको इसको चेन में लगाना है सिंपल सा, और ये देखिए आपका ये लिक्विड है ना, इतना सा लिक्विड ये मान के चलिए आप करीबन ये 4-5 महीने तक चलेगा आराम से, यानी 5-6 महीने का काम हो गया। और अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपके और भी ज़्यादा टाइम का काम हो गया, आपको बार बार में स्प्रे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए यूजुअली हो जाता है ये, और आप घर पर ही बना सकते हैं और घर पर ही लगा सकते हैं। तो मैं वो दिखा देता हूँ अभी, चलो इसको बना लेते हैं, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि इसको काफ़ी टाइम तक यूँ घुमाना पड़ेगा जब ये गाढ़ा लिक्विड बनेगा। गियर आयल 90 नंबर और ये ग्रीस, दोनों चीज़ों को मिक्स करना है काफ़ी देर तक, फिर उसके बाद में एक गाढ़ा लिक्विड बन जाएगा ना, उसके बाद में अपनी चेन में आराम से यूज में ले सकते हैं अपन। जो भी मैं दिखा देता हूँ, देखो अभी तो फ़िलहाल ये बना लेता है लड़का, फिर मैं बनाता हूँ वीडियो जब कंप्लीट हो जाता है जब। तो देखिए दोस्तों ये इस तरीके का देखिए एक लिक्विड तैयार हो चुका है, और अब है ना ये क्या चेन पर है ना ये ग्रीस और आयल, जो ये दोनों की चिकनाहट और इनकी पकड़ है ना काफ़ी बढ़िया बनेगी, जो चेन पर जल्दी से सूखेगा नहीं और काफ़ी मजबूत यानी पकड़ रखेगा चेन पर, ताकि चेन आवाज़ नहीं रखे और चिकनाहट इस पर हमेशा रहेगी। तो ये लिक्विड काफ़ी फ़ायदे का है, अभी मैं रुको लगा देता हूँ चेन में, वो भी दिखा देता हूँ। मैं ये कहता हूँ सभी गाड़ी वाले जितने इनके पास भी KTM है या खुले या स्पोर्ट बाइक है, वो सब इसी तरीके का लिक्विड तैयार कर ले, यानी आपका चेन सेट इतनी बढ़िया सर्विस देगा। मेरे को खुद को इसका रिजल्ट मिला, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी इतने बेहतरीन यानी रिजल्ट आता है कि आपका चेन सेट काफ़ी लंबा चलेगा, क्योंकि मैंने खुद ने ये मान के चले एक बार चेन सेट डाल चुका हूँ मेरी गाड़ी का, और जो तो बहुत ही कम किलोमीटर पर चल गया, क्योंकि मैं गाँव एरिया में रहता हूँ, यहाँ पर मिट्टी धूल काफ़ी ज़्यादा रहती है, इस वजह से मेरे को ये परेशानी आ रही थी इसमें चेन की, चेन चक्का जैसे जब आवाज़ करने लग जाता है मैं थोड़ा सा भी लंबा जाता हूँ और वो आवाज़ करने लग जाता है। लेकिन ये लगाने के बाद में मैं 100 किलोमीटर पे जाकर आया हूँ तो आवाज़ नहीं किया चेन चक्के ने। तो चलो लगा के दिखाते हैं आपको, काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ये।
तो ये देखिए दोस्तों, ये इसको बनाने के बाद में कितना आसान है लगाना। सिर्फ एक उंगली पे यूँ लिया, ये देखिए, और आपको इस तरीके से बस यूँ इस पर लगा देना है। बस बस यूँ इस तरीके से लगाया और काम ख़त्म। और ये इतनी बढ़िया सर्विस देगा, आपकी चेन बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी, यानी आपकी बाइक में जो आवाज़ है ना, जो पीछे से आती है ना चेन की आवाज़ चलाते हैं जब अपन, वो इतनी कम हो जाएगी कि आपको मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में भी। और इस चेन की आवाज़ हम कई बार कन्फ्यूज हो गए, सोचते क्या पता इंजन तो आवाज़ नहीं कर रहा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ही आवाज़ करती है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब ये देखिए, बस इसको लगाने का तरीका यह है कि गाड़ी को हल्की सी यूँ उठाया और यूँ यूँ घुमाया, बस बस बस। और ये देखिए, बस ये पूरी चेन पर भी नहीं लगाना है आपको, ये दो तीन जगह पर लगा देना है, ये ऑटोमेटिकली पूरी पर लग जाएगी। फिर घूम दी जैसे ये गाड़ी घूमेगी ना, बस हो गया काम। बस अरे बाकी जब ये चेन घूमेगी ना, बाकी पूरे को अपने आप में लगा लेगी और आपकी चेन की सर्विस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा, यानी जो स्प्रे लगाते हैं ना उससे तो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। चलो तो ये था मैंने बताया जो मेरे को, यानी जो मेरे को बेस्ट लगाना है भाई। मैं काफ़ी यानी करीबन 3 साल से मेरे पास ये बाइक है। मैं पिछले जब शुरू में लाया था ना, तो मैंने चेन चक्कर मान के चले 6 महीने बाद में मेरे को चेन चक्कर डालना पड़ा, और अब मेरे को करीबन 2-2.5 साल से ऊपर होगी मेरा चेन चक्का बिल्कुल नहीं डाला। तो मेरे को आज याद आया, मैंने कहा यार ये फॉर्मूला अपन यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकते हैं अपने चैनल पर, क्योंकि इससे काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है, बाइकरों का काफ़ी फ़ायदा है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आप लोग भी ये चीज़ बना लें और यही लिक्विड इस्तेमाल करें, स्प्रे से काफ़ी गुना बढ़िया है। तो दोस्तों मैंने जो ये वीडियो बनाया है ये काफ़ी फ़ायदे का वीडियो है, और आप लोग क्या है इससे बिल्कुल भी यानी आपको परेशानी नहीं आएगी और आपकी चेन की जो सर्विस है ना वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो मैं ये रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इसे 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। पहले मेरे को यानी कभी नई गाड़ी ली थी ना, तो मैंने 6 महीने के अंदर चेन चक्का डाल दिया था। आज मेरे को 2 साल यानी 1.5 साल से ज़्यादा हो गया और मैंने काफ़ी किलोमीटर चला दिया। मैं हर चीज़ में यूज़ में लेता हूँ, मेरी बाइक को कच्चे पक्के सब में चलता हूँ, लेकिन आज तक मेरे को दोबारा कंप्लेंट हो रही। तो मेरे को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी फ़ायदे की लगी, इसीलिए मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। तो आपकी पब्लिक को भी ये चीज़ पता चल जाए, हाँ भाई काफ़ी फायदे की चीज़ है। आप अपन स्प्रे खरीदते हैं 250 रुपये की स्प्रे खरीदते हैं, अपन को महीने में 2 स्प्रे लगानी पड़ जाती है, यानी 500 रुपये की तो 2 स्प्रे ही लग जाती है इसमें। तो दोस्तों मैं यही कहता हूँ आप भी इस तरीके का लिक्विड तैयार कर ले, और ये एक लिक्विड है ना आपको करीबन आराम से साल भर चलेगा, यानी एक डिब्बा, यानी एक छोटा सा आधी किलो का जो डिब्बा आता है ना, उसमें आप हल्का सा ऑयल डालना है, गेरोइल नंबर और गिर डालना है आधा, और आपको उसमें मिला देना है, वो काफ़ी गाढ़ा लिक्विड तैयार हो जाएगा। और ये जल्दी से सूखता भी नहीं है चेन के ऊपर से, ना ही हटता है, क्योंकि अच्छी पकड़ कर लेता है और चेन के अंदर पी लेता है ना, उसके बाद में चेन इतनी साइलेंट चलती है गाड़ी कि आपको मैं बता नहीं सकता, इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरे को खुद को मिला है इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मैकेनिकल कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करें, मुझसे एडवाइस ले सकते हैं, चाहे 4-व्हीलर की हो, लग्जरी गाड़ियों की, या इस बाइक की हो, क्योंकि इस पर मैंने काफ़ी कुछ यानी मैं अपने हाथ से ही करता हूँ इसका काम, मैं किसी के पास लेके नहीं जाता हूँ। और मैकेनिकल यानी 4-व्हीलर का भी मैं मैकेनिक का काम करता हूँ। तो अगर आपको ऐसी कोई भी एडवाइस चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको अपने नंबर दूंगा और आपकी जितना हो सकता मैं अपने हैंड से यानी अच्छे से मदद करूंगा, जो भी होगा आपको जो भी एडवाइस चाहिए होगी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों चलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि औरों को भी पता लग जाए इस चीज़ के बारे में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो मैकेनिकल होगी और आपके फायदे की होगी, काफ़ी पब्लिक प्रॉफिट की मैं वीडियो बनाता हूँ इस पर हमेशा, तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपके फायदे की होगी और बेहतरीन होगी और मैकेनिकल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।